Hey guys, it's me Rupali and welcome back to Rupali's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी कुकीज, जिसे टूटी फूटी कुकीज भी कहते हैं। I hope आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली डिलीशियस रेसिपीज के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर हिट कर देना, जिससे जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा, कस्टर्ड शुगर, कस्टर्ड पाउडर, अनसॉल्टेड बटर, टूटी फ्रूटी, चॉप्ड काजू, मिल्क, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, वनीला एंड पाइनएप्पल एसेंस। सबसे पहले हम एक बाउल में बटर लेंगे। अब इसमें कस्टर्ड शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका एक क्रीमी टेक्सचर आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट। अब इनको अच्छे से छान के मिक्स कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे काजू, टूटी फ्रूटी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से गूंद लेंगे। अगर आपका मिक्सचर आपको ड्राई लग रहा हो तो ही इसमें दो तीन बूंद मिल्क की ऐड करें। हम एक प्लेटफॉर्म पे मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करके इसको रोटी की तरह थोड़ा मोटा बेल लेंगे। हम इस कुकी कटर से इसे कट कर लेंगे। जो भी आपको पसंद हो शेप में आप इसे कट कर लीजिए। अब हम पहले से ग्रीस किए हुए ट्रे पर कुकीज रखेंगे। हम इसे डेकोरेट करने के लिए ऊपर से थोड़ी टूटी फ्रूटीज लगा देंगे। माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लें 180। अब अपनी कुकीज को 180 डिग्री पर बेक करेंगे 15 मिनट के लिए।
लीजिए, हमारी कुकीज तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।